नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान की गहलोत सरकार ने बीते दो दिन से सोशल मीडिया पर धूम मचाई हुई है। सोशल मीडिया, खासकर अगर बात करें ट्विटर की, तो ट्विटर पर दो दिन से राजस्थान की गहलोत सरकार ट्रेंड कर रही है। जहां एक और कल जब ट्रेंडिंग पर हैशटैग सबसे ज्यादा जो हैशटैग ट्रेंड हुआ वो था 3 साल खुशहाल राजस्थान, 3 साल राजस्थान खुशहाल, ये करके एक हैशटैग था जो कल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पर रहा ट्विटर पर, क्योंकि 3 साल पूरे हो चुके हैं गहलोत सरकार के, तो उसका जश्न भी मनाया जा रहा था। हालांकि कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन कई उद्घाटन किए गए, कई शिलान्यास किए गए और जो जनता के हित में कई कह सकते हैं कि नई नई योजनाएँ लॉन्च की गई। अब वहीं दूसरे दिन की बात करें, यानी आज की बात करें, तो आज भी ट्विटर पर नंबर एक पर राजस्थान ट्रेंड होता रहा। और ये जो आज ट्रेंड हुआ वो हैशटैग राजस्थान की उड़ान जो हैशटैग था वो ट्रेंड हुआ। राजस्थान में आज एक योजना का शुभारंभ हुआ, उड़ान योजना है, महिलाओं से संबंधित तो योजना है, महिला बाल विकास इसका मंत्रालय है और महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कह सकते हैं कि एक बेहतरीन पहल है। इसके तहत महिलाओं के जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं उसको ध्यान में रखते हुए महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण किया जाएगा और इस योजना का आज शुभारंभ हुआ। और इसकी जो कह सकते हैं कि जिस तरह इसका शुभारंभ हुआ है वो ही काफी ज्यादा धमाकेदार रहा, क्योंकि शुभारंभ के साथ ही तापसी पन्नू जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है उन्होंने खुद इस उड़ान जो योजना है इसको लेकर एक ट्वीट किया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उसमें जिक्र किया और सराहना की, क्योंकि इस तरह की पहल की सबसे ज्यादा सराहना करना ज़रूरी है जिससे कि आगे भी लोग इस तरह की पहल करते रहें। और ये राजस्थान में जो योजना लॉन्च हुई है ये अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है महिलाओं के लिए, जो इस तरह सैनिटरी नैपकिन वितरण के लिए जो योजना चलाई गई है उसमें देश में नंबर एक कह सकते हैं कि राजस्थान रहा इस तरह की इतनी बड़ी योजना को लॉन्च करने में। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि आज जिस तरह से राजस्थान में उड़ान योजना लॉन्च हुई है उसके बाद राजस्थान की विकास गति, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण और जितना जो कह सकते हैं कि बीते लंबे समय से महिलाओं की सबसे ज़्यादा समस्या एक रहती है, क्योंकि राजस्थान अगर जिस तरह राजस्थान का एक माहौल है या राजस्थान के जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ पर आज भी महिलाएं खुलकर बात नहीं कर पाती हैं सैनिटरी नैपकिन के संबंध में। और जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंच से ऐलान किया कि इस योजना को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, सबसे ज़्यादा इसे आगे रखा जाएगा और इसके किसी भी तरह का वित्तीय संकट नहीं आने दिया जाएगा, पूरा आर्थिक सहयोग किया जाएगा। तो जिस तरह से आदि आबादी को आगे रखा गया है उसके बाद जो ये ट्रेंडिंग पर आया है ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश में, ये अपने आप में एक राजस्थान के लिए भी गर्व का विषय है। कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि बीते दो दिन के जो ये कार्यक्रम चले हैं उनमें राजस्थान दो दिन तक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड होता रहा। राष्ट्रीय स्तर पर जो राजस्थान की योजना है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उनका जिक्र होता रहा है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।